भाई साहब मैंने पहली बार ऐसा कोई मेला देखा है। देख सकते हो यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ देख सकते हो ट्रैक्टर दिखाने लगा है अपना जलवा भाई। देखो 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 किस तरीके का माहौल चल रहा है यहाँ, देख सकते हो आप। और तरीके भाई मेले में घूमते घूमते काफी मजा आया। इस वाली शॉप पे ज्यादा मजा आया, भाइयों ने पानी वानी भी पिलवाया। उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है भाई। इस मेले को कहा जाता है जाटों का मेला। ज्यादातर आपको यहाँ जाट ही जाट दिख जाएंगे और ज्यादातर हमारे सारे ही जाट भाई हैं इधर है यहाँ पे। भाई साहब क्या ही बात है भाई, क्या ही बात है। जाट भाइयों का भी रुतबा अपना एक अलग ही है, कतई अलग। सारे जाट भाई और जाट भाइयों के साथ सभी भाई आते हैं भाई, कहीं ना कहीं सभी भाई आते हैं यहाँ पे, लेकिन जाट भाइयों का रुतबा यहाँ एक अलग तरीके से दिखाई देता है आप सबको, जो कि कहीं ना कहीं बड़ा इंटरेस्टिंग है, वाकई इंटरेस्टिंग है। देखो भाई इंजॉयमेंट फुल चल रही है सभी की यहाँ पे। कहीं बैल बंधा हुआ है, कहीं पे जोटा बंधा हुआ है, यानी कि भैंसा जोटा जो भी कहते हो आप, और बहुत सारे बुग्गी और ये सारी चीज़ आई हुई है बहुत सारे उसमें। ये देखो यहाँ पे ट्रैक्टर को लेकर, ये चीता ही कहते मैं कतई। ये देखो पटाखे छूट रहे हैं, ये देखो, ये देखो भाइयों को क्या मस्ती चल रही है। फुल इंजॉयमेंट चल रही है हर जगह, फुल इंजॉयमेंट चल रही है। और तुम्हारा भाई बिल्कुल गंगा जी के किनारे पर पहुंचने वाला है। जस्ट थोड़ी देर में हम गंगा जी के किनारे के पास पहुंच चुके हैं, बस ये मान लो। आय हाय हाय, देर लगेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा हो सकता है, पर आराम आराम से हम पहुँच जाएंगे। भाई साहब मैंने पहली बार ऐसा कोई मेला देखा है, रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसा मेला पहली बार देखा है आपके भाई ने। इतनी सारी गाड़ियाँ भरी पड़ी हैं, UP 14 UP 16, यानी कि भाई दिल्ली की तरफ की भी, और काफ़ी सारा रुतबा, यानी अपने यहाँ पे पूरा इंजॉयमेंट चल रहा है, फुल इंजॉयमेंट, कोई रोक टोक नहीं, हर तरीके से खुली छूट है भाइयों को। देखो ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रैक्टरों पर ये सारी चीज़ चलती हुई। हाय हाय हाय, सही है भाई। ये देखो, देख सकते हो आप सब, देख सकते हो यहाँ पे क्या चल रहा है। ओ भाई साहब पूरा इसी पे रुतबा है पूरा। यस हम इधर को निकल गए अब, और देखो झोटे आते हुए। वाह 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 मेरे भाई वाह, अलग ही बात है इस मेले की तो भाई, अलग ही बात है। पुलिस फोर्स पूरी निगाह बनाए हुए है भाई, पूरी सेफ्टी के साथ में और सभी चीज़ों को देखते हुए पुलिस फोर्स है यहाँ पे, कि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना बने, हर चीज़ की सेफ्टी देखी जा रही है, हर चीज़ की सेफ्टी वगैरह। यहाँ पे देखा क्या बेहतरीन तरीके से भैया भगाता हुआ लेके जा रहा है, ये इसे ही तो कहते हैं रुतबा। ये तो स्नान घाट है, देखना पड़ेगा मुझे कि कहाँ पे जो चीज़ मैं देखना चाहता हूँ वो किधर है। यहाँ देख सकते हो ट्रैक्टर दिखाने लगा है अपना जलवा भाई। ओहो हो हो, ट्रैक्टर अपना जलवा, और हमारे भाई इतनी तेज तेज गाड़ी लेकर आ रहे हैं यहाँ पे। भाई ट्रैक्टर कहीं ना कहीं अपना जलवा दिखा रहा था, घूम घूम के। ओ भाई साहब अलग ही चीज़ चल रही है, अलग ही चीज़ है यहाँ पे भाई। पल्ली साइड भी बड़ा कैड़ा मेला भरा हुआ है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक तो मुझे पता नहीं है पहली बार आया हूँ कि किधर से यहाँ से मेला अच्छे से आपको दिखा पाऊँगा मैं। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है यहाँ के बारे में, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको अच्छे से ये सारी चीज़ दिखा पाऊँ, एकदम अच्छे से दिखा पाऊँ। देखो 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 किस तरीके का माहौल चल रहा है यहाँ, देख सकते हो आप। और तरीके जिप्सियाँ, ट्रैक्टर और जीप, थार, गाड़ियाँ, जो कुछ, यानी कि जो कुछ भी हो सकता है, सारी चीज़ यहाँ आपको देखने को मिलेंगी भाई, जितनी भी चीज़ होती है। ये देखो पूजन वगैरह हो रहा है किसी चीज़ का, और यहाँ पे चाट अपना वो बताते हुए। ये देखो ट्रैक्टर से ही भाई, ट्रैक्टर से।
भाई साहब सारी चीज मिल रही है यहाँ पर, सारी चीज हो रही है। ये देखो जिप्सी, कितनी प्यारी जिप्सी गाड़ी है भाई। बढ़िया एकदम माहौल बनता हुआ है यहाँ पे। और इधर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेला ही नहीं है भाई, मुझे पहले देखना पड़ेगा कि मेला एक्चुअल में है कहाँ पे, क्योंकि मुझे ना एक्चुअल में मेला देखने का मन है और अच्छे से मेला देखने का मन है। तो भाई अब फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपना गढ़ मेले पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना क्राउड है और कितने अच्छे तरीके से सारे लोग नहा धो रहे हैं। और बहुत ही अच्छा मेला है जिसमें मैं पहली बार आया हूँ भाई, कहीं ना कहीं पहली बार। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि तुम्हारा भाई एक तो लेट आ रहा है और एक अकेला आ रहा है, तो अकेले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि कहाँ पे अपनी लक्ष्मी को छोड़ेंगे हम और कहाँ से फिर इस मेले को देखेंगे। उस साइड देखो काफ़ी सारे लोग इन्जॉय करते हुए भाई, वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पल्ली साइड का पूरा नज़ारा आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाते हुए देख रहे हो। कितने सारे भाई हमारे लोग रेत में ऐसे ही लेटे पड़े भाई, मस्ती मार रहे भाई, फुल इन्जॉय चल रहा है यार। शायद आज मैं बाइक लेकर ना आया होता या कुछ ऐसा होता तो मज़ा आ गया होता, एकदम मज़ा आ गया होता भाई। और ये एक ऐसा नहीं है, इधर का हिस्सा छोटा सा बनाया गया है डेरे के हिसाब से, वहाँ कहीं ना कहीं क्राउड बहुत ही ज़्यादा है। उस साइड में बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, उस साइड से जहाँ से मैं आ रहा हूँ ना उधर क्राउड बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे काफ़ी सारे भाई लोगों के डेरे डले हुए हैं बिल्कुल पास में। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एकदम पास लगा, और देख रहे हो आप वहाँ पर क्राउड देखो, वहाँ पर भी क्राउड देखो भाई, क्राउड लाखों की संख्या में, यहाँ पब्लिक लाखों की संख्या में। ये देखो यहाँ तो पूरा बीच बना के एंजॉय किया जाए। पता है जो मैं आपको ट्रैक्टर जा दिखा रहा था वहाँ पे कितनी सारी पब्लिक थी, भैंसे भागते हुए दिख रहा था भाई, मैं उस टाइम पे उधर था उस साइड में था मैं, यानी कि ये देख रहे हो आप इस साइड से ऐसे राउंड मार के मार के और उधर से पूरा घूम के मैं इधर आ गया हूँ। और यहाँ पर हमने अपनी लक्ष्मी को खड़ी कर रखी है, ये खड़ी हमारी लक्ष्मी यहाँ गंगा जी का किनारा, और यहाँ पे ये सारे भाई नहाते हुए उधर और सारे पब्लिक नहाती हुई है, और जो और क्राउड है और उधर बहुत ही ज़्यादा है, और जो सबसे मेन मेला भरा हुआ है वो कहीं ना कहीं उधर ही है। देख रहे हो आप ये झूले वगैरह आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये देखो भाई, तो ये है मेन मेला और ज़बरदस्त एकदम माहौल बन रहा है भाई, ज़बरदस्त। तो भाई अभी मुझे निकल कर जाना पड़ेगा दूसरी तरफ, क्योंकि इस तरफ है जहाँ पे इस टाइम में खड़ा हूँ ना प्रेजेंट में, ये मेरठ वालों का घाट है, पूरा मेरठ वालों का है ये, तो इधर मुझे अभी कोई शायद दिखा नहीं है, और लेकिन जैसे दिख जाते हैं ऑब्वियसली मिलेंगे ज़रूर। मैं सोच रहा हूँ कि कैसे चला जाए, कैसे दिखाया जाए आप सबको, सारी चीज़ के लिए मैं सोच रहा हूँ भाई। मेरठ वाले घाट पर इस टाइम पर तुम्हारा भाई है, ये मेरठ वालों का घाट है, और यहाँ पर जितने भी भाई लोग हैं सारे के सारे मेरठ से बताए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। जो अगर हमारे मेरठ के कुछ भाई आए होंगे यहाँ पे तो ऐसे इतने बड़े मेले में मिलना मुश्किल हो रहा है। मैंने तो सोचा था मिल लेंगे, छोटा मोटा सोचा था, इतना बड़ा भी नहीं सोचा था भाई, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे इतना इजीली कोई किसी से मिल पाएगा, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है भाई साहब। मुझे यहाँ से वापस जाना ही पड़ेगा, वापस ही जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई इतना क्राउड है यहाँ पे, इतना क्राउड है जिसमें भाई अकेले इंसान का काम नहीं है, अकेले इंसान का काम ही नहीं है यहाँ कहाँ, ना तो कहीं पे मैं बाइक खड़ी कर पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा क्राउड जिसको कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, और इस कारण से मुझे कहीं भी रुकने की या कहीं भी खड़े होने की जगह नहीं दिखाई दे रही है, जहाँ मैं अपनी लक्ष्मी को भी सेफली खड़ी कर पाऊँ ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पे, क्योंकि भाई बाइक की सेफ्टी भी ज़रूरी है और अपना भाई सारा सामान देख देख के खड़ा करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, तो अभी ऐसा नहीं हो पाएगा यहाँ पे। देख रहे हो भाई भीड़ देखो चारों तरफ, भीड़ दब के भीड़ लगी हुई है, सेक्टर बुलंदशहर, ये बुलंदशहर का सेक्टर है भाई, जिला बुलंदशहर, दिल्ली का, हर जगह का सेक्टर है यहाँ पर, सेक्टर अलग अलग बना रखे हैं, और ऐसे ट्रैक्टर पर भाई लोग मज़े लेते हुए घूम रहे हैं, गाड़ियों के देखो बोनेट पर बैठ कर, यह देख रहे हो आप लोग गजब का नज़ारा, एकदम गजब का नज़ारा है ये, मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बताना आप सबको कैसा लग रहा है। चलो जी अपने को तो निकलना पड़ेगा भाई, पर भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा ना ट्रैक्टरों का रुतबा है, एक से एक ट्रैक्टर आ रहा है यहाँ पे, और सब ने अपना रुतबा दिखा रखा भाई, सब ने दिल्ली भंडारा,
शांति नगर वाले डम्बो भाई, काफ़ी काफ़ी दूर से इसमें मेले में आए हुए लोग, काफ़ी काफ़ी दूर से। अब सब ने अपने अपने पर कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा लग रहा है इस मेले में घूम के, जितना भी घूम पाया। पहला एक्सपीरियंस था, ठीक है, पहला एक्सपीरियंस था मेरा पहला, लेकिन जितना घूमा कहीं ना कहीं ठीक है भाई। पर इसमें ऐसा घूमना बस की नहीं है, इसके लिए या तो पैदल इंसान होना चाहिए, और पैदल में भी आप कम से कम 2-3 जने होने चाहिए, या आपका जो व्हीकल लेकर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं खड़े होने, खड़े करने की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। भाई क्या ही गजब मचा रखा, गजब एकदम जिसे कुछ कहते हैं। थार भी बहुत है भाई, अब थार बहुत भाई। अब तो हमारा यहाँ से बाहर जाने का नंबर आ ही चुका है बिल्कुल, हमें एग्जिट पॉइंट यानी कि इधर से हम वापस निकल जाएंगे। कार्तिक पूर्णिमागढ़ मेला, यानी कि ये कार्तिक पूर्णिमागढ़ मेला का वो है, और कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा मुझे वैसा लगा है। लेकिन बस सबसे ज़्यादा अफसोस यही है कि मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाना चाहता था, जो मैं कहीं ना कहीं आपको दिखाने में नहीं हो, दिखा नहीं पाया भाई साहब। चलो इसमें को घुसते हैं अंदर गली में को, और इससे निकलेंगे हम वापसी बाहर को, इस गली से निकलेंगे हम बाहर वापस। अब आते समय दूसरी तरफ से आ रहे हैं, और यहाँ पे देखो कितनी ही प्यारी मार्केट भरी हुई है, फुल है मार्केट भरी हुई है, एकदम जबरदस्त जबरदस्त मार्केट भरती हुई भाई, क्या ही बात है। देख रहे हो क्या मार्केट, कपड़े वपड़े खिलौने विलौने इतनी दुनिया भर की चीज़ मिल रही है, जो चीज़ लेना चाहो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है भाई साहब, क्या ही बात है। और आगे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और बहुत ज़्यादा भीड़, और इस भीड़ को पार करते हुए अभी हमें जाना है पल्ली साइड, और भाई बाहर निकलना है इस भीड़ को क्रॉस करते हुए हमें तो, ओ भाई साहब इसे क्रॉस करते हुए निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक शॉप पे जाते हुए हम, तो भाई अभी चलते चलते इस मेले में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था, जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी सारा क्राउड हो रहा है, इधर भी क्राउड है इधर भी क्राउड है, लेकिन मैंने सोचा एक जगह रुक लिया जाए। यहाँ पे देखा, ओहो हमारे भाई ने धक्का दे दिया, कोई बात नहीं भीड़ भाड़ में होते रहते हैं। यहाँ पे देख रहे हो हर माल 60 रुपये भाई, ये एक शॉप पे रुका, मैंने सोचा बच्चे के टॉयज़ हैं आपको भी दिखा दिया जाए और सारी चीज़ कर दी जाए। यहाँ पे टॉयज़ की और बहुत अच्छी अच्छी दुकान लगी हुई है, मैं 2 मिनट को रुका, मैंने अपनी लक्ष्मी देख रहे हो यहाँ पर खड़ी कर रखी है, और लक्ष्मी को भी काफ़ी अच्छे रिएक्शन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भाई की दुकान पे आया, मैंने सोचा यार खिलौने वगैरह देखूंगा बच्चों के लिए, क्योंकि भाई ने कहीं ना कहीं सारे खिलौने 60 रुपये कर रखे हैं। अच्छा 60 रुपये का सर, ये रहा। अच्छा आपके चैनल की तरफ से आएगा और भी 5-10 रुपये की लेस कर देंगे। अच्छा हाँ जी, ये लो भाई देख रहे हो, और कहाँ से आए हुए हैं? सब 60 रुपये का, ये 100 रुपये का मेरठ से। हाँ जी सर। अच्छा हर साल आते हैं इस मेले में? हर साल आते हैं जी हाँ, कम से कम 15-20 साल होली आते सब 60 रुपये की सेल लगती है। ये देखो आपको हर जगह 120 रुपये का मिलेगा, हमारे यहाँ 60 रुपये का हर एक आइटम चलता है। ये देख रहे हो भाई, बड़े ट्रैक्टर है, लेजर लाइट है, हर चीज है। चाहिए भी हो ये भी 60 रुपये का मिलेगा सर। ओ भाई साहब सारी चीज भाई ने 60 रुपये कर रखे है, और यहाँ पे काफी सारे भाई लगे भी हुए हैं देखो लाइन से खरीदने के लिए। ये भी इसके कम से कम 100 खिलौने बनते हैं, 100 आइटम ये रहे, छोटे छोटे बच्चे कैसे बना दो ये रहे, आइटम बनते हैं। ये भी 60 रुपये, ये भी 60 रुपये का सर हमारे दुकान पर। बढ़िया भाई साहब बढ़िया, ये डॉल वगैरह सब 60 रुपये का कर रखा है, कुछ भी ले सकते हो। ओ तेरी की भाई, ये लाइट वाली बोल है देखो, ये 60 रुपये की है, आपके चैनल के माध्यम से कोई आता है तो 55 रुपये की लगेगी उसे। देख रहे हो ये बढ़िया चल रहा है, खिलौने ले रहे हो आप भी आज है? हाँ भैया खिलौने ले रहे, और देखो भाई भी सारे खिलौने ले लग रहे हैं, और अच्छे अच्छे तरीके से भाई सारी चीजें इनकी शॉप पे देख लो, काफी सारे टॉयज हैं ऐसे नहीं है, बहुत सारे टॉयज हैं, गिनती नहीं है इतने सारे टॉयज हैं, सारे ही अलग अलग तरीके के टॉयज हैं। देखो इसमें 6 गाड़ी है, ये भी 60 रुपये का है। अच्छा यानी बहुत सारे यार, ये क्या बवाल, पूरी मार्केट में बवाल मचाने बैठे हो क्या? 60 रुपये कि आज किसी को आगे नहीं आने ना, सबसे आगे रहना। जो 100 रुपये का, तो यहाँ पे देख रहे हो काफी सारी, पहले तो बंदूक लगी हुई है,
और यहाँ पे बदलू लगी हुई है बच्चों के लिए। उधर देख रहे हो जिसमें रसोई वसोई की और सारी चीज करते बच्चे बच्चे खेलते हैं। बहुत सारे टॉयज यानी टॉयज ही टॉयज की पूरी भरमार है यहाँ पे, केवल 60 रुपए। और यहाँ पे पूरा मार्केट बहुत ही बढ़िया। चलो भैया अच्छा लगा आपसे मिलके, और बहुत बढ़िया शॉप है, अगर आप आओ तो बिल्कुल यहाँ विजिट कर सकते हो भैया के पास में। कौन से टेंट के पास है, अगर कोई आए तो कैसा है यहाँ पे? ये हिंद टेंट हाउस वालों के सामने है हमारी दुकान, ये हिंद टेंट वाले हैं बिल्कुल इनके जस्ट सामने। ये रही इस पे लिखा होगा ऐसा, सदर गेट से थोड़ा सा पहले देख रहे हो भाई, गजब बढ़िया एकदम मामला मचा रखा भैया ने भी यहाँ। और इसके बराबर में एक फूल की दुकान यहाँ पे, अरे ये रे भाई हमारे, क्या बात है, सभी आएंगे यार ब्लॉग में। पलवल से हैं। पलवल से हो, बढ़िया है भाई, देखो सभी यहाँ से मौज मस्ती कर रहे हैं और बढ़िया एकदम गजब माहौल बन रहा है भाई की जय, बढ़िया भाई। भाई मेले में घूमते घूमते काफ़ी मज़ा आया, इस वाली शॉप पे ज़्यादा मज़ा आया, भाइयों ने पानी वानी भी पिलवाया, और जैसे मैं यहाँ रुका तो तुरंत भाइयों ने आवाज़ मार ली, भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा चलो देख लेता हूँ मैं भी कुछ खिलौने वगैरह, लेकिन फ़िलहाल में मैंने कुछ लिया नहीं है यहाँ से, पर इंटरेस्टिंग था, इंटरेस्टिंग था, चलो अच्छा लगा मुझे भी। इस बहाने से मैं थोड़ा सा बाय जी बाय बाय मेरे भाई। चलो कहानी ऐसे ही धीरे आगे आगे बढ़ते हैं। ओ भाई साहब, चलो जी चलो, 10 रुपये, अच्छा इनाम पाओ 10 रुपये में। ये देख रहे हो और भी शॉप्स हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं भाई, बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, कोई लिमिट नहीं है। बिका हुआ माल वापस नहीं होगा भाई, कोई माल बिका हुआ वापस नहीं होगा तील। ओ भाई साहब देख रहे हो, सही है भाई सही है एकदम बढ़िया। ये देख रहे हो सारे बाइक लगा लगा के हमारे सारे भाई लोग पूरी मस्ती मार रहे हैं। मैं तो मार्केट में बाइक चला रहा हूँ और बाइक लेके वापसी ही निकल रहा हूँ यहाँ से, बस जितना हमें घूमना था हम इतना घूम चुके हैं। मुझे नहीं लगता भाई अकेले अगर इसमें यहाँ मेले में आके घूमना पॉसिबल है ज़्यादा अच्छे तरीके से, अकेले आके नहीं घूम पाते भाई। भाई क्राउड देख रहे हो आप, क्राउड देखो किस तरीके का क्राउड है, दिन में है वो क्राउड, आज रात में यहाँ ना पैर रखने की जगह नहीं मिलने वाली, आज रात में यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होगी, बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं होगी यहाँ पे आज रात को। बहुत ही बढ़िया, यहाँ से अब अपना एग्जिट, अब एग्जिट है हमारी इधर से, हम एग्जिट लेने वाले हैं अब इधर से, क्या ही बात है। पर एग्जिट में किधर उस रास्ते से भी आ सकता था, मुझे पता नहीं था, मैं घूम घाम के आ रहा हूँ भाई, मुझे यहाँ कब, यही तो मैं कहता हूँ मुझे यहाँ के बारे में पता नहीं था, फर्स्ट टाइम था मेरा, तो फर्स्ट टाइम में ऐसा होता ही है। आगे से अपना भाई तैयारी के साथ में आएंगे, और यहाँ हो गया है फुल पैक्ड, अभी से ही देख रहे हो जाम पूरा लगा पड़ा है भाई, पूरा जाम लगा पड़ा है, जबकि पुलिस फोर्स इतने मायने में है ना भाई, क्या ही बताऊँ भाई, पुलिस फोर्स पूरी तैनात है, पूरी तैनात। ओह देखो देख रहे हो किस तरीके का ट्रैफिक है भाई, किस तरीके का ट्रैफिक है। अब यहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल वो वाला रास्ता बंद कर रखा है,